गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीएल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 चैप्टर 5 कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। हमें चेक करके बताना है कि -150 गिवन एपी की टर्म्स है या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। We use nth term formula an equal to a plus n minus 1 multiply d। Given AP में value of a first term हमारे पास है 11। Common difference find करेंगे d equal to second terms minus first terms, it means 8 minus 11। अब 11 में से 8 minus करेंगे ये आएगा हमारे पास 3। बड़ी वाली डिजिट के साथ माइनस का साइन तो -3। एंड एन इक्वल टू -150 एन हमें फाइंड करना है। तो हमें चेक करके बताना है -150 गिवन एपी की टर्म्स है या नहीं है। अगर पॉजिटिव नेचुरल नंबर वैल्यू आएगी एन की तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। वैल्यू ऑफ ए एन -150 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए 11 प्लस एन -1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ डी इज -3। सिंप्लीफाई करते हैं। -150 इक्वल टू 11 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 को एन से, ये आएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3n, और ये माइनस माइनस प्लस 3 1 3 11 प्लस 3 प्लस कर देंगे -150 11 प्लस 3 14 -3n प्लस के 14 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा 150 -14 इक्वल टू -3n। इम्प्लाइज दैट -3n इक्वल टू, अब देखिए सेम साइन में ऐड हो जाता है -150 एंड -14, हाउ मच -164। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। n इक्वल टू जो चीज मल्टीप्लाई में वो किस में जाएगी डिवाइड में, 164 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3 5 15, 3 4 12, 2 रिमाइंडर एंड 3 से डिवाइड करें तो 54 2 अपॉन 3 विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर which is not a natural number. So that -150 is not a term of given AP, AP, that is answer। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। अब ये गिवन एपी में हम फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लेते हैं लैक, फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी इज स्मॉल एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल डी। तो हमने फर्स्ट टर्म स्मॉल ए अज्यूम कर लिया और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी अज्यूम कर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है 12, तो हम एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे थर्ड टर्म के लिए एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए 3 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। और थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है
थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास 12, इट मीन्स 12 इक्वल टू ए प्लस, यदि मैं से 1 माइनस करिए 2 और 2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 2d, से इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है 50, इट मीन्स ए 50, टोटल टर्म्स 50 और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है हमारे पास 106, इट मीन्स ए 50 इक्वल टू 106। अब इसमें भी अगेन एन एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एन की वैल्यू 50 पुट करेंगे गिवन फॉर्मूले में, तो आ जाएगा ए फिफ्टी इक्वल टू ए प्लस 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई बी। ए 50 कितना है हमारे पास 106, लास्ट टर्म 106, ए प्लस 50 में से 1 माइनस करें 49 डी, सेम इक्वेशन सेम। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इट मीन सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। देखिए LHS LHS साइड में माइनस होगा, RHS RHS साइड में माइनस होगा, तो राइट करेंगे 106 माइनस 12 इक्वल टू ए प्लस 49d माइनस ए प्लस 2d, ब्रैकेट ओपन करेंगे 106 में से 12 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारे पास 94 इक्वल टू, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे ए प्लस 49d माइनस ए माइनस ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2d प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 49 में से 2d माइनस करेंगे 94 इक्वल टू 47। अब जो चीज मल्टीप्लाइंग होती है किस में आ जाएगी डिवाइड में, इट मीन्स डी इक्वल टू 94 अपॉन 47, 47 में जा 47, 47 टू जा 94, इट मीन्स डी इक्वल टू 2। अब डी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे या फिर सेकंड में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर सकते हो, हम फर्स्ट में कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 12 इक्वल टू ए प्लस 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ डी 2, तो ये आ जाएगा 12 इक्वल टू ए प्लस 4, प्लस के 4 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस को हो जाएगा ए इक्वल टू 12 माइनस 4, ये आ जाएगा ए, देन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए। अब इसके बाद देखिए हमें 29 टर्म फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड होगी और डी की वैल्यू फाइंड होगी, तो हम 29 टर्म्स के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, हम इसको इस साइड सॉल्व कर देते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, एन की वैल्यू कितनी होगी 29, ये हो जाएगा ए 29 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए हमारे पास फाइंड हो चुकी है 8 प्लस 29, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 29, क्योंकि 29 टर्म्स फाइंड करेंगे 29 माइनस 1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ डी हमारे पास फाइंड हो चुकी है 2, इंप्लाइज दैट ए 29 इक्वल टू 8 प्लस 29 में से 1 माइनस करेंगे 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 56 प्लस 8 64, इट मीन्स 29 टर्म्स ए 29 इक्वल टू 64, हेंस 29 टर्म इज 64 आंसर। होमवर्क में आपको क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी
whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. Question number 9. If the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? यह आपको होमवर्क में करना है.